बॉलीवुड में अपने एक्शन अंदाज और कॉमेडी टाइमिंग के लिए मशहूर अक्षय कुमार ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए अक्षय ने बताया कि बचपन में वे सेक्सुअल अब्यूज का शिकार हो चुके हैं। अक्षय ने बताया कि जब वे बच्चे थे तब एक लिफ्ट मैन ने उन्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश की थी। अक्षय अपने माता पिता से खुलकर बात कर सकते थे, इसलिए उन्होंने इस बात का जिक्र उनसे किया। बाद में पता चला कि वे आदमी ऐसे ही और भी कई केस के चलते पकड़ा गया था। पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलना सिखाएं। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में अक्षय ने कहा कि आजकल ऐसे केस बढ़ते जा रहे हैं जहां पर बच्चों के साथ गलत होता है और वे किसी से शेयर भी नहीं कर पाते। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को इन चीजों के बारे में सचेत होना और बोलना सिखाएं। बता दें, अक्षय कुमार फिलहाल अपनी आने वाली फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा के प्रमोशन में बिजी हैं। साथ ही अक्षय कुमार की फिल्म गोल्ड की शूटिंग भी लंदन में चल रही है, जिसमें अक्षय कुमार एक एथलीट की भूमिका में नजर आने वाले हैं।